गुड मॉर्निंग जी। यूएई की टीम ने कल रात को न्यूजीलैंड को हरा दिया है दूसरे टी20 मैच में, और इस बात को लेके अगर आप हैरान हो रहे हैं, आप अगर परेशान हो रहे हैं कि यार यूएई की टीम कैसे हरा सकती है, तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। वो इसलिए जब ये छोटी टीमें बड़ी टीमों से खेलती नहीं हैं तो पता कैसे लगेगा कि छोटी टीमें कितने पानी में हैं। हमने रिसेंटली देखा कि नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया, वेस्ट इंडीज का हाल देखा आपने क्वालिफायर्स में, फिर आप देखते हैं कि नेपाल आपको बड़ी बेहतर क्रिकेट खेलते नजर आती है, जिम्बाब्वे जिस तरह अब एक अच्छी टीम बन गई है, कैसे जब छोटी टीमें, छोटी टीमों से मतलब है जो रैंकिंग में थोड़ी एसोसिएट टाइप की टीम्स हैं, जो रैंकिंग में नीचे हैं या नई टीमें हैं, जब वो बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं खेलेंगी तो वो इम्प्रूव कैसे करें। यही वजह है कि आज आपको जिम्बाब्वे बहुत ज्यादा इम्प्रूव टीम नजर आती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने बेहतर टीमों के साथ खेलना शुरू कर दिया है, और यहीं से आईसीसी को लेसन लेना है कि अगर वो वाकई असल में क्रिकेट का फरोग चाहते हैं, क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं, जो कि असल में आईसीसी नहीं चाहती, आईसीसी अपना चूरन बेचता है सिर्फ छोटी टीमों को प्रमोट करने के चक्कर में। लंबा टॉपिक है, इसको कभी अलहदा कवर करेंगे किसी और दिन, लेकिन अगर वाकई आईसीसी इन छोटी टीमों को प्रमोट करना चाहता है आईसीसी कि ये टीमें ऊपर आएं, तो आईसीसी को बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंगली जब कोई फुल मेंबर टीम किसी एसोसिएट टीम से हारी हो, उसकी जरा लिस्ट देख लेते हैं, वो आपको बताता हूँ कि कब कोई बड़ी टीम जो आईसीसी की फुल मेंबर है वो किसी एसोसिएट टीम से हारी हो। जिम्बाब्वे ने एज एन एसोसिएट टीम ऑस्ट्रेलिया को 1983 में हराया था पहली दफा, यानी ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की फुल मेंबर टीम थी और जिम्बाब्वे उस टाइम 1983 में एसोसिएट टीम थी। इसी तरह वेस्ट इंडीज 1996 में कीनिया से पहली दफा हारी थी, यानी कीनिया तब एसोसिएट टीम थी और वेस्ट इंडीज आईसीसी की फुल मेंबर टीम थी। इंडिया 1979 में श्रीलंका से हारा था, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से 1983 में हारा था, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 99 में हराया, यानी अगेन 99 में बांग्लादेश एसोसिएट टीम थी और पाकिस्तान फुल मेंबर टीम थी। श्रीलंका कीनिया से हारी थी 2003 में, जिम्बाब्वे भी कीनिया से हारी थी 2003 में, अफगानिस्तान स्कॉटलैंड से हारी थी 2018 में, साउथ अफ्रीका अभी ये वेरी रिसेंटली 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड से हारी थी, इंग्लैंड जिम्बाब्वे से 92 में हारी थी। यानी कितनी एग्जांपल्स हैं हमारे पास देखने के लिए कि जब जब किसी एसोसिएट टीम को चांस मिले, मौका मिले, उसने बड़ी टीम को लटा के मारा है, और यही आईसीसी को अब सीखना है, यही से आईसीसी को लेसन लेना है कि यार अब हमें वाकई छोटी टीमों को प्रमोट करने के लिए इनको थोड़े ज्यादा मैचेस देने हैं। और मैं तो ऑनेस्टली इस चीज के भी हक में हूं कि जो वर्ल्ड कप है इसमें यार ज्यादा टीमें होनी चाहिए, कम से कम कोई 25-26 टीमें तो होनी चाहिए। अब बड़े लोगों को लगेगा यार ये बड़ी ज्यादा टीमें हैं, लेकिन इसी तरह आप क्रिकेट को फुटबॉल की तरह, फुटबॉल में आई डोंट वॉच फुटबॉल बट आई थिंक 32 टीमें होती हैं, और कभी कभी कोई बहुत छोटी टीम, जैसे मुझे याद है पता नहीं क्रोएशिया की टीम थी या कौन सी टीम थी, किसी वर्ल्ड कप में बड़ी ऊपर आ गई थी। जब आप इन छोटी टीमों को ज्यादा चांसेस देंगे बड़े इवेंट में, हमने अक्सर देखा है कि अपसेट्स होते हैं। आप आयरलैंड को देखें, आयरलैंड ने जैसे अपसेट्स करना शुरू की है 2007 से, आज भी वो किसी भी बड़ी टीम को हराने की अहलियत रखते हैं। सो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ज्यादा टीमें होनी चाहिए, और आईसीसी को भी अब वाकई असल मायनों में काम करना है क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। वीडियो पसंद आए शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।